नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा पैथलैब चैनल। मेरा नाम है मनीष कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टैक लेवल टेस्ट के बारे में। ये टेस्ट कब कराया जाता है, इसका प्राइस कितना है और किस डिजीज़ में ये टेस्ट कराया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। ये हमारा चैनल है पैथलैब, जिस पे सारे ब्लड टेस्ट रिलेटिंग वीडियो जो हैं हमने डाले हुए हैं। कोई भी टेस्ट के बारे में कोई भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट्स कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। तो आते हैं आज के टेस्ट के बारे में। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो है टैक्रोलूमस। तो टैक्रोलूमस जो है, सबसे पहले हम बता दें इसका जो टेस्ट कोड है, G160, इसका टेस्ट कोड है। इसका जो नाम है टैक्रोलूमस है, FK506, ये पूरा इसका नाम है। डॉक्टर इसको एडवाइज़ करता है, टैक लेवल लिख के भी, टैक लेवल लिख के और एडवाइज़ करता है। तो जब भी आपके पास, आप टेक्नीशियन है, कोई भी स्लिप आती है टैक लेवल की है, तो आपको यही टेस्ट करना है। तो देखिए, इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्पेसिमन यानी कि सैंपल क्या चाहिए। इसके लिए हमें 3 ml होल ब्लड इन लेवेंडर टॉप EDTA, यानी कि जो EDTA ट्यूब होती है वो चाहिए हमें इसके लिए। इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, इसको जस्ट आप सैंपल मिक्स करके और प्रॉपर भेज सकते हैं। टाइम, सैम्पलिंग टाइम होता है इसके लिए, ये ज़रूरी है इसके लिए, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट डोज। जो भी आपके डॉक्टर ने डोज स्टार्ट की हुई है, तो उससे जस्ट 10 या 15 मिनट पहले ये सैंपल आपको देना होता है। जैसे कि आप सुबह 9 बजे डोज लेते हैं, तो उससे 5 या 10 15 मिनट पहले ज़्यादा से ज़्यादा ये सैंपल आप दे सकते हैं, उसके बाद आपको नहीं देना है। सैंपल को कितनी देर तक आप रख सकते हैं, तो देखिए, रूम टेम्परेचर पर 6 घंटे रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर पर 7 दिन रख सकते हैं। फ्रोज़न करके आप इसको रख नहीं सकते, यानी कि इसको फ्रीज नहीं कर सकते। इसका जो मेथड है वो LC-MS, ये मेथड है। प्राइस इसका देखिए, 3600 रुपये। ये जो प्राइस है ये नॉर्मल प्राइस है। जब आप वॉक इन में जाके सेल्फ ये टेस्ट कराते हैं, तो ये इसका प्राइस है। टैक लेवल के बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। टैक लेवल जो है किडनी पेशेंट्स के लिए कराया जाता है, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो उसके लिए ये टेस्ट कराया जाता है। हाँ, टैक लेवल में काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जैसे हमारा लाल पैथ लैब है, तो जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो स्टार्टिंग से ही जिस कंपनी की पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, वो कंपनी का टाई अप होता है लाल पैथ लैब के साथ, काफ़ी और लैबों के साथ भी होता है। तो वो क्या है, वहाँ से हमें एक मेल ड्रॉप होती है, तो उसमें आपको जो है, जो मेडिसिन आप उस कंपनी के ले रहे थे, वो आपका डिस्काउंट करा के देते हैं। उस पर आपका डिस्काउंटेड जो है ये टेस्ट होता है, तो आपको 3600 रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका काफ़ी कम अमाउंट जो है वो लगता है। इसके यूजेज़ आप पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट सैंपल डेली 5 PM, रिपोर्ट नेक्स्ट डे 5 बजे तक NRL सैंपल पहुँच जाता है, तो रिपोर्ट सेम डे आ जाएगी, नहीं तो नेक्स्ट डे आएगी आपकी। डॉक्टर देखिए, ट्रांसप्लांट सर्जरीन ये जो है, इनके न्यूरो ये जो डॉक्टर हैं, इनको एडवाइज़ करते हैं। डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है, कोरियर चार्ज इसमें कोई नहीं है, होम कलेक्शन में आप करा सकते हैं। प्री टेस्ट इंफॉर्मेशन, तो मेनली इसमें प्री टेस्ट इंफॉर्मेशन में एक ही जो चीज़ है, इसमें 2 बार लिखी हुई है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको जो नेक्स्ट डोज जो आप मेडिसिन लेते हैं, उससे पहले आपको ये टेस्ट कराना है, क्योंकि उससे जो टैक लेवल है उसी के हिसाब से आपकी डोज जो है वो सेट होती है। डॉक्टर आपको उसी हिसाब से डोज देता है, उसी हिसाब से आपकी मेडिसिन चलती है। तो टैक लेवल के जब भी कराते हैं आप, तो हमेशा ध्यान रखें कि उसको जब भी आप डोज लेते हैं, उससे 10 या 15 मिनट पहले ही आपने डॉक्टर की एडवाइस पे ही टेस्ट कराएं। आप ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके टेस्ट करा लें, इस ऐसा कराने से तो आपका जो वैल्यू है वो एबनॉर्मल आएगा, अप या डाउन आएगा, तो उससे आपका सारा जो ट्रीटमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें इसमें। बाकी जो रूटीन में अपना जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ये टेस्ट उनके ही लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको चेक करना है कि किडनी ठीक है या नहीं है, तो ये टेस्ट ना कराएं। उसके लिए आपका KFT होता है, तो उसके लिए आप KFT टेस्ट करा सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको KFT के बारे में भी बता देता हूँ। सॉरी, LFT, KFT। हाँ, जिनको किडनी के बारे में जानकारी चाहिए, किडनी आपका ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किडनी पैनल KFT
KFT करा सकते हैं। उसके लिए जो सैंपल है वो SST चाहिए, रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, 24 घंटा रेफ्रिजरेटर फ्रोजन करके रख सकते हैं। 800 रुपये का टेस्ट है, डेली रिपोर्टिंग है। डिसऑर्डर ऑफ किडनी, ये किडनी के लिए जो है ये टेस्ट कराया जाता है। इसमें टेस्ट कंपोनेंट्स कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आपके टेस्ट होंगे, इंक्लूड हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन रेशियो, एल्कलाइन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, इलेक्ट्रोलाइट, ये सारे टेस्ट आएंगे। इसके लिए कोई प्री इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ये टेस्ट आप कभी भी करा सकते हैं, होम कलेक्शन में करा सकते हैं। तो ये था किडनी के लिए, इससे पहले हमने आपको इस वीडियो में बताया टैक लेवल के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।